नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान का भविष्य बदलने के लिए सत्ता में आए इमरान खान अब पीएम खान से ज्यादा आइडिया खान के तौर पर ज्यादा जाने जाने लगे हैं। लोंडा मदरसा पैदा इसको इतने आइडिया दे चुका है कि कई मुल्लाओं ने अपने बच्चों का नाम आइडिया ही रख दिया है। तशरीफ पर जैतून के तेल की मालिश करने से लेकर मुर्गी पालने, कट्टों की रखवाली करने और गधों के धंधे का आइडिया इमरान खान के बेकाबू दिमाग की उपज है। यही नहीं, इसी पीएम ने जाहिल मदरसा पैदाइश को 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी और चीन को कैसे सौंपे छोकरी जैसे ख्वाब भी दिखाए हैं। हालांकि पिछले दिनों एक चपरासी की पोस्ट के लिए 15 लाख जाहिल बिना तयमंद पहने आवेदन करने आ गए। दुनिया को अचरज हुआ कि 23 करोड़ वाले नए पाकिस्तान में अभी भी 15 लाख जाहिल पीक दान उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। पर इस कंगाल इस्लामिक देश के लिए यह हैरत की बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोंडा एक नवीनतम आइडिया लेकर आया है। दुनिया से भीख मिलती नहीं देखकर इमरान खान ने अब पैसे जुटाने के लिए भांग की खेती करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने देश के पहले भांग के खेत का उद्घाटन किया है। यूं भी इमरान खान पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि लोंडा हर वक्त भांग के नशे में चूर रहता है और सही समय पर गलत बयानबाजी कर जाता है। दरअसल पाकिस्तान में गधों का व्यापार पिछले 1 साल से धीमा रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से चीन को होने वाले गधा निर्यात में 28% गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद इमरान खान ने देश में भांग की खेती करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भांग एक मादक पदार्थ होता है, लेकिन दुनिया में इसका इस्तेमाल मेडिकल रूप में भी किया जाता है। पाकिस्तान सरकार ने भांग की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इमरान को उम्मीद है कि इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर मोटी कमाई की जा सकती है। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने तो बड़ा ऐलान तक कर दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान करोड़ों डॉलर के भांग उद्योग में एक अहम भागीदार बनने जा रहा है। वैसे भी ये नया तहमंद खरीदने से पहले पुराने तहमंद फाड़ना शुरू कर देते हैं, बाद में नया तहमंद खरीद नहीं पाते और पुराने से भी हाथ धो बैठते हैं। जैसा कि अरब सागर में तेल मिलने की खबर में इन्होंने कनस्तर साफ करने शुरू किए थे, पर ना अरब सागर में तेल मिला और ना एल्यूमिनियम के कटोरे में डॉलर गिर पाया। मदरसा पैदाइश इस बार भी भांग की खेती के नाम पर गधैया नृत्य कर रही है। पिछले महीने इमरान खान ने देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.75 बिलियन का कर्ज लिया है। भारत रुपए में कर्ज किया धनराशि 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। पहले से ही हर टोपी बाज के ऊपर 1,75,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है। ऐसे में लोंडे ने नए पाकिस्तान पर एक और कर्ज लादकर उसके उज्जवल भविष्य की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। साथ में भांग का उत्पादन करके अब हर जाहिल मुल्ला को नशेड़ी बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। कहने को इस्लामिक देश पाकिस्तान में नशीली चीजों पर पाबंदी है, लेकिन यहां भांग और चरस का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की तिराग घाटी में भांग की खूब खेती होती है। भांग की फसल बारिश पर निर्भर रहती है और यहां इसे बर्फीले पहाड़ों के बीच उगाया जा रहा है। भांग के सूखे पौधों को पीसकर उसका चूर्ण तैयार किया जाता है, जिसे चरस कहा जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी इसी काम से ही चल रही है, मगर अब यही भांग जिन्ना के देश को भी चलाएगी। दुनिया में भांग का बाजार करीब $25 अरब का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भांग की सरकारी खेती करने की अनुमति दी है और अगले 5 साल में $5 अरब सालाना कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। ट्रायल के तौर पर पाकिस्तान सरकार ने 3 जिलों में भांग उगाने की अनुमति दी है। अगले कुछ महीनों में कुछ और जिलों में भांग उगाने की मंजूरी दी जाएगी। यानी अफगानिस्तान की अफीम की तरह मदरसा मुल्क भी भांगिस्तान बनने की राह पर बढ़ रहा है। वैसे लोंडे के पुराने आइडिया की तरह यह आइडिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गधों का यह देश आजकल आइडिया से ही चल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।